Welcome to our YouTube channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग फिजिक्स की क्लास डिस्कस करेंगे, दैट इज क्लास 34, 33 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में. लास्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा था, उसी से ही रिलेटेड मैंने कंटिन्यू यहाँ पे किया है. स्टार्ट करते हैं. नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ वायर कैप परपेंडिकुलर टू इट्स, तो मतलब अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर रहता है आपका करंट या वायर, तो फिर उसमें डिफ्लेक्शन शो करता है. तो मैंने डिफ्लेक्शन का आपको बताया था लास्ट क्लास में, उसी के बारे में मैंने लिखा है, मैं फिर से पढ़ दे रही हूँ. नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू a wire kept perpendicular to it, ठीक है. तो denoted by इस symbol से होता है. इसकी जो unit होती है that is ampere per meter, तो that is ampere meter, उसको आप ampere meter inverse भी बोल सकते हो, ठीक है, otherwise ampere per meter. डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है L इनवर्स A, जैसे मैंने लिखा तो इसकी यूनिट L है, इस वजह से L इनवर्स हो गया और ये इसकी है, ठीक है, क्लियर. उसके बाद आते हैं, देखो लाइक पोल्स रिपल्स एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. लाइक पोल रिपल्स का मतलब है कि अगर प्लस है और फिर ये भी प्लस है तो ये दोनों क्या करेंगे, क्या करेंगे, रिपल करेंगे, मतलब दोनों अलग अलग जाएंगे. ये माइनस है, दोनों क्या होंगे, रिपल्शन टेक प्लेस, दोनों अपार्ट होंगे, दूर होंगे. बट अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे. वही मैंने इन शॉर्ट यहाँ पे लिखा है, लाइक पोल्स रिपल्स एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है. ऐसा नहीं प्लस माइनस, माइनस और प्लस भी होगा तब भी वो अट्रैक्ट करेंगे, क्लियर. उसके बाद आते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का. ये रोटेटरी हर एक सर्कुलेटरी पाथ में मूव कर रहा है, उसके बाद उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे हम लोग. तो उसके बाद आता है हम लोग द रीजन अराउंड मैग्नेटिक वेयर फोर्स ऑफ मैग्नेटिक कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है. तो ऐसा रीजन जो हमारा मैग्नेटिक या फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, फोर्स ऑफ मैग्नेट को, कैन बी एक्सपीरियंस इज सेड टू बी अ मैग्नेटिक फील्ड. अगर कोई रीजन है जहाँ पे मैग्नेटिक एक्सपीरियंस कर रहा है कोई भी फोर्स को, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके पास, मैग्नेटिक फील्ड के पास, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके पास डायरेक्शन भी होता है. एंड इट इज द डायरेक्शन ऑफ विच द मैग्नेटिक ऑफ नॉर्थ पोल. तो क्या होता है कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और उसकी जो डायरेक्शन होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है जो कि नॉर्थ पोल की तरफ होता है, या जहाँ पे मैग्नेटिक ऑफ नॉर्थ पोल होगा, ठीक है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा उसी तरफ डायरेक्शन होगा. उसके बाद आते हैं वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हायर. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो हायर होती है इन रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आर लोन्स क्लोज होती हैं एंड दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, और कभी वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं. इफ दे क्रॉस देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो क्रॉस कर देंगे तो उनके दो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी एंड इट कैन नॉट बी पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है. ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्जेस साउथ पोल फ्रॉम अ क्लोज लूप. अगर क्लोज लूप है तो वो इमर्ज करेगा, स्टार्ट कहाँ से करेगा, नॉर्थ पोल से, और एंड कहाँ पे करेगा, दैट इज फ्रॉम टू साउथ पोल. उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, लास्ट पॉइंट है आज का हमारा, इनसाइड मैग्नेट. एक मैग्नेट के अंदर लाइंस ऑफ फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, और मैग्नेट के अंदर क्या होता है, वो साउथ पोल से जनरेट करता है, कहाँ तक, नॉर्थ पोल के लिए जनरेट करता है, ठीक है. तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही. थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड गिव योर सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स. थैंक यू.